सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बैंगलोर ने पंजाब को हराकर आईपीएल के 12वें सीजन की लगातार तीसरी जीत दर्ज की। बैंगलोर टीम ने एबी डिविलियर्स और मार्कस टॉइनिस के बीच शतकीय साझेदारी की बदौलत 20 ओवर में 4 विकेट पर 202 रन बनाए। इसके बाद पंजाब टीम लगातार अंतराल पर विकेट गंवाने के चलते 20 ओवर में 7 विकेट पर 185 रन ही बना सकी। बैंगलोर ने 11 मैचों में चौथी जीत दर्ज की और टीम 8 अंकों के साथ 7वें स्थान पर आ गई है। पंजाब को 11 मैचों में छठी हार झेलनी पड़ी और टीम 10 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है। आरसीबी के ओपनर पार्थिव पटेल ने 24 गेंदों पर 43 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 2 छक्के जड़े। पार्थिव और एबी ने दूसरे विकेट के लिए 36 रन जोड़े। साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने कमाल की पारी खेलते हुए 44 गेंदों पर 82 रन बनाए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे एबी नाबाद लौटे। उन्होंने इस दौरान 35 गेंदों पर अपने आईपीएल करियर का 33वां अर्धशतक जड़ा। एबी ने अपनी नाबाद पारी में 3 चौके और 6 छक्के लगाए। बेंगलुरु के 4 विकेट 81 रन तक गिर गए, लेकिन फिर भी एबी डिविलियर्स और स्टॉइनिस ने संयमित होकर खेलते हुए नाबाद 121 रन जोड़ दिए। दोनों की बदौलत टीम 200 के स्कोर को पार करने में कामयाब रही। स्टॉइनिस ने 34 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्के की मदद से 46 रन का योगदान दिया। पंजाब के कैप्टन रविचंद्रन अश्विन ने सदी हुई गेंदबाजी की और 4 ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट लिया। उनके अलावा अन्य गेंदबाज महंगे साबित हुए। शमी ने 53 रन देकर 1 विकेट लिया, जबकि विल जॉन ने 51 रन देकर 1 विकेट झटका। मुरुगन अश्विन ने 31 रन देकर 1 विकेट लिया। धुरंधर क्रिस गेल ने 10 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्का लगाते हुए 23 रन बनाए। उन्हें उमेश यादव की गेंद पर एबी डिविलियर्स ने बाउंड्री के पास लपका। गेल ने लोकेश राहुल के साथ पहले विकेट के लिए 3.2 ओवर में ही 42 रन जोड़ दिए। ओपनर लोकेश राहुल और मयंक अग्रवाल ने दूसरे विकेट के लिए 59 रन की साझेदारी की। मयंक अग्रवाल ने 21 गेंदों की अपनी पारी में 5 चौके और 1 छक्का जड़ा। वह टीम के दूसरे विकेट के रूप में 101 के स्कोर पर आउट हो गए। फिर मोइन ने राहुल को पारी के अपने पहले ओवर में ही चलता किया। उन्हें साउदी ने लपका। राहुल ने 27 गेंदों पर 7 चौके और 1 छक्का जड़ा। पंजाब टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन ने सर्वाधिक 46 रन का योगदान दिया। वह 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर डिविलियर्स के हाथों लपके गए। उन्होंने 28 गेंदों की अपनी पारी में 1 चौका और 5 छक्के जड़े। पूरन ने डेविड मिलर के साथ चौथे विकेट के लिए 68 रन जोड़े। बैंगलोर टीम के पेसर उमेश यादव ने 4 ओवर में 36 रन देकर सर्वाधिक 3 विकेट झटके। यादव के पारी में अंतिम ओवर में पंजाब के 2 विकेट गिरे। उन्होंने दूसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन को कोहली के हाथों कैच कराया, जिसके बाद विल जॉन को पार्थिव ने लपका। उनके अलावा नवदीप सैनी ने 2 विकेट लिए, जबकि स्टॉइनिस और मोइन अली को 1-1 विकेट मिला। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2019 से जुड़े लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज जानना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपको यहाँ आईपीएल 2019 से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिलेगी। अगर आपको ये न्यूज पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।